मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रेहान जाफरी ने एक स्टाम्प पत्र पर अपने कार्यों की घोषणा की। देखिए कैमरामैन विकास के साथ साउथ सिद्दीकी की भोपाल से एक खबर। मजबूत कैंडिडेट के रूप में मुझे उतारा है कि आप यहाँ से चुनाव लड़ें और इस विधानसभा के अंदर जिस तरीके से अव्यवस्थाएँ फैली हुई, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे बिजली पानी की बात हो, चाहे वो स्कूलों की दुर्गत स्थिति हो, चाहे वो लोगों के लिए बेरोजगारी का जो आलम बना हुआ है वो हालात हो, चाहे अवैध कब्जों की बात हो, इस तरह की गुंडागर्दी, जुआ, सट्टा, शराब, नशाखोरी और हमारी खून को जो बर्बाद करने के लिए सारी व्यवस्थाएं उत्पन्न की जा रही है सरकार द्वारा, इन सबको समेट कर एक कूड़ेदान के अंदर फेंकना, ये हमारा संकल्प है। क्योंकि आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने आई है, सत्ता का हमें कोई लालच नहीं है, इसलिए हम 42 बिंदुओं पर स्टाम्प पर शपथ पत्र दे रहे हैं कि अगर हम 42 बिंदुओं पर खड़े नहीं उतरते हैं आगामी विधायक बनने के बाद, आगामी विधानसभा चुनाव के बाद अगर हम विधायक बनते हैं और इस पर खड़े नहीं उतरते हैं तो हम पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है और हम दोबारा विधानसभा चुनाव नहीं लेके आएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम पक्के वादे लेके आए हैं, हम झूठे वादे नहीं करते। इसलिए आम आदमी पार्टी का संकल्प है कि इस बार नरेला विधानसभा से आम आदमी पार्टी का विधायक जीतेगा और इस बार मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी सरकार। अभी कितने विधायक लड़ रहे हैं आपके यहाँ से भोपाल एम पी? पूरे 230 विधानसभाओं पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें से 133 जो है वो घोषित हो चुके हैं। अच्छा अच्छा, तो टोटल पूरे मध्य प्रदेश से 230 हैं? टोटल मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, 230 की 230 सीटों पर हम अपने प्रत्याशी, इसमें से 133 पर हम उतार।